गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? ओके स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? ओके हमने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, राइट? मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 दिया था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस में, बेसिक क्वेश्चंस में जो है उसको बता देता हूँ। देखिए, आपको प्रैक्टिस से 7.1 के कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे है कि ए पॉइंट है, ग्राफ पेपर पे क्या है, एक कोई पॉइंट है। देखिए, ये आपका ग्राफ पेपर है सपोज, और इस पे कोई ए पॉइंट है, तो आपका ए पॉइंट को डिनोट करना है उस ग्राफ पेपर पे। तो कैसे करेंगे? देखिए, एक्स का वैल्यू कितना है? -3। तो एक्स का वैल्यू -3, तो निगेटिव एक्स एक्सिस किधर है? निगेटिव एक्स एक्सिस इधर है, ठीक है? ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस है। एंड और आपका वाई पॉजिटिव है, यानी वाई का वैल्यू कितना है? 2 है। तो वाई का वैल्यू इधर कुछ आपका 2 आएगा, ठीक है? तो, मैं अप्रोक्स क्या करता हूँ, ये आपका 1 -1 होगा, ये आपका -2 होगा, ठीक? ये आपका क्या होगा? -3 होगा, और इधर क्या होगा? 1 होगा, और इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हमको कौन सा पॉइंट डिनोट करना है? -3 कॉमा 2, यानी एक्स एक्सिस का -3 और वाई एक्सिस का 2। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। किस पॉइंट से? 3 पॉइंट से। देखिए, ये हमने लाइन खींचा, 3 पॉइंट से हमने लाइन एक ड्रॉ किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस का 2 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? अगर ग्राफ पेपर पे आप लोग कर रहे हैं, तो ये आपका पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? ये आपका -3 -3 और ये 2, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट है बता सकते हैं आप लोग? ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये आपका सेकंड है, ठीक है ना? सेकंड है, और ये आपका थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक है? तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ये जो हमारा -3 और 2 लाइज कहाँ पे करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट आप क्यों बोले? मैंने तो बताया था ना, देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये देखिए, इसमें क्या होता है, दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं, एक्स का भी साइन पॉजिटिव होता है, वाई का भी साइन पॉजिटिव होता है। और इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है? इसमें क्या होता है साइन, इसमें आपका साइन होता है एक्स निगेटिव होता है, यानी एक्स का जो आपका साइन होगा निगेटिव होगा, और वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है? ठीक है। थर्ड में क्या होता है? थर्ड में क्या होगा? एक्स निगेटिव होगा और वाई भी क्या होगा? निगेटिव होगा। इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे बताइए? इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है? इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें आपका
एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब समझ में आ रहा है, बताइए ये समझ आया? समझ आया आप लोगों को? देखिए, अच्छा ये बताइए, तो बी जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में आएगा? बी जो क्वाड्रेंट है -5 जो बी है किस में आएगा? आप लोग बारी बारी से आंसर देते जाइएगा। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब बी जो आपका पॉइंट है दोनों में निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव है, ठीक है। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन बनाइए। तो हाँ अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? जैसे देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कोई आपका पॉइंट है तो एक्स एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। मतलब इस जो आपका ये एक्स एक्सिस है, आपका जो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ एक्स का कोऑर्डिनेट होगा और वाई क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं? और उसी केस में इधर क्या होगा, इधर इस केस में वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस का, वाई पे कुछ वाई का वैल्यू रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए एच जो पॉइंट है आपका 0 और -5, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए सपोज ये आपका क्वेश्चन है, एच एच एक पॉइंट है और ये आपका है क्या दिया हुआ है, 0 एंड -5, ठीक है। अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 0 और -5 का मतलब क्या हो गया, ये मान लीजिए ये आपका ग्राफ पेपर है तो इसमें 0 x है, यानी x 0 है, तो ये आपका y एक्सिस पे आपका कहीं ना कहीं ये पॉइंट लाई करेगा। तो अब y एक्सिस में दो 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 कंडीशंस आ जाते हैं, एक पॉजिटिव y एक्सिस और निगेटिव y एक्सिस। तो देखिए यहाँ से आपको क्या है, निगेटिव साइन है, तो आपको इस किस एक्सिस पे हो जाएगा, नीचे वाले, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और -5, यहाँ पे ये आपका h पॉइंट लोकेट होगा, ठीक है। क्लियर है? तो y एक्सिस पे होगा लेकिन y एक्सिस के किस साइड में होगा, निगेटिव साइड में। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्लियर हुआ? आप देखिए, अच्छा ये बताइए तो m पॉइंट कहाँ पे होगा, m पॉइंट कहाँ पे होगा? m जो आपका पॉइंट है आपका मतलब एक्सिस का नाम रखना, ये क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, एक्सिस पे होगा। वो एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, आप वो बताइए, ठीक है। अगर यहाँ देखिए एम कहाँ पे है, एम एम जो पॉइंट है, ओके एक्स एक्सिस पे होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और बच्चे क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? दिविजेश, जय, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? दिविजेश, ओके तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए, इन विच क्वाड्रेंट आर द फ्लोइंग पॉइंट्स? अच्छा ये बताइए तो कौन है, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव? कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिस क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई का दोनों का साइन पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव? निगेटिव किस में होता है, मैंने अभी थोड़ी देर बताया था पहले। निगेटिव आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज निगेटिव?
तो एक्स पॉजिटिव हो गया और वाई नेगेटिव हो गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताइए तो। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होना चाहिए, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताइए। देखिए फोर क्वाड्रेंट होगा, सही है, मतलब एक्स यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है और वाई क्या है निगेटिव है, ये क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज निगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव की बात की जा रही है, तो देखिए इधर आपका एक्स आएगा ना, एक्स निगेटिव है और वाई क्या है पॉजिटिव है, तो आपका ये वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है, आपका कौन सा रीजन हो जाएगा, ये आपका सेकेंड वाला रीजन हो जाएगा, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। समझ आया डिवीजेस क्या होगा, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमको अब देखिए ये आपको तो ग्राफिकली ड्रॉ करना है, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन ए प्लेन एंड प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट्स, तो आप लोग क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए मैं कुछ और बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ग्राफ पेपर है, ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ। सपोज ये आपका ग्राफ पेपर है, मैं इसको इन लार्ज साइज में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। आपको ये जितने भी चीजें हैं वो ग्राफ पेपर पे बनानी है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इससे आपका कंसेप्चुअल लेवल बढ़ेगा, ठीक है। देखिए ग्राफ पेपर में इसको मैं लार्ज साइज में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आएगा। देखिए ये मैंने क्या किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, क्या किया मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और ये हमने क्या किया एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, जो है हॉरिजेंटल होता है उसको एक्स एक्सिस हम लोग बोलते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस यहाँ पे बोला जाता है। तो ये आपका क्या हो गया एक्स हो गया और ये क्या हो गया वाई हो गया। अब बताइए यहाँ पे अगर मेरे को एक पॉइंट डिनोट करना है, मान लीजिए हमको पॉइंट डिनोट करना है एम पॉइंट है, क्या नाम है पॉइंट का नाम एम है, और एम है -5 और -1 मिनट, एक एम पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 और -3, ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट डिनोट करना है 2 और -3 डिनोट करना है। मेरे को आप लोग सुन पा रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है बताइए। तो आपको एम पॉइंट क्या करना है डिनोट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे, तो क्वाड्रेंट तो क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे हो जाएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट क्योंकि एक्स क्या है पॉजिटिव है और वाई क्या है निगेटिव है, अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको 1 यूनिट लेंगे, ये आपका 1 है, ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है, ये आपका 4 है, ठीक है, ये आपका 5 है। ग्राफ पेपर में आप लोग इसको कर लीजिएगा, मैं जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये -1 है, ये क्या है -2 है, ठीक है, -3 है, ठीक है। अब देखिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो क्या करेंगे एक्स के परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका ये है, ये आपका 2 पॉइंट, तो ऐसे लाइन खींचेंगे और -3 है ना वाई का पॉइंट -3, तो वहाँ यहाँ पे जो आपको एक पॉइंट मिला ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा 2 एंड -3 एम पॉइंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं आप लोग बताइए, ये आपका एम पॉइंट हो जाएगा, क्लियर है सबको बताइए, क्लियर है।
ओके, मैथ आपको क्लियर है? ओके, आप देखिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप एल पॉइंट डिनोट कर लीजिएगा। अगर आपको मन करे नहीं ये क्वेश्चन कम पड़ जा रहा है, तो अपने हिसाब से अपना थिंक कीजिएगा, सोचिएगा, और कोई भी एट रेंडम माइनस प्लस का एक कम्बिनेशन बनाकर आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है पॉइंट को डिनोट करना, ठीक है? इसके बाद क्या है, देखिए, पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब क्या है कि देखिए, जब हमारा एक इस तरह का हमारा ग्राफ पेपर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अप्रोचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल भी लाइन खींच सकते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाखों हजारों लाइंस खींचे जा सकते हैं, ठीक है ना? एक्स एक्सिस इसमें उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल भी क्या कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका फायदा क्या होगा, फायदा आप लोगों को आगे दिखेगा, मतलब इस तरह हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ऑब्जर्वेशन आपको ये दिखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आप सॉरी वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना? हॉरिजेंटल आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और ये क्या है आपका वाई है, समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये आपका मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और मान लीजिए सपोज ये मेरे को पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है वाई, ये क्या पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0, और मैं वाई का वैल्यू मैं अपने मन से दे रहा हूँ, सपोज 2, ठीक है, सपोज 2, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है? ये आपका पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, 0 और 1 है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? 0 एंड 1 है। उसी तरह आगे क्या होगा, 0 एंड 3 होगा, 0 4 होगा, ठीक है? आप देखिए, सपोज इस पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पे ड्रॉ करते हैं, और मैं सपोज आपको कहूँ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मान लीजिए ये आपका 1,0 है, ठीक है, ये 1,0 है, ये वाला दूसरा वाला पॉइंट क्या है, 2,0 है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका एक्स और 2 होगा, ठीक है ना? ये वाला क्या होगा, 1,2 होगा। उसी तरह ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका 2,2 होगा, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है और वाई का कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये जो मैं स्टेटमेंट अभी बोलने जा रहा हूँ, ये समझिएगा, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, उनमें क्या होगा, वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा, वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 2 है ना, 2 सेम है, इसमें भी 2 सेम है, इसमें भी 2 सेम है, इधर भी 2 सेम आएगा, सेम आएगा, यानी वाई जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। समझ पा रहे हैं ना इसको, बताइए, समझ पा रहे हैं इस स्टेटमेंट को, समझे आप लोग? ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए, अब आगे हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए, इसमें 1 मिनट लगेगा, आप देखिए, ये तो आपको मालूम चल गया कि वाई एक्सिस, अभी हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, मान लीजिए ये आपका एक्स है, ये आपका 1 मिनट,
ये एक्स एक्सिस अभी ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसी तरह एक वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वाई एक्सिस पे जितने भी एक्स का पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। उसी तरह और डिस्टेंस देख रहे हैं, इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ये जो की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इसका यूज आपको आगे पड़ेगा, उससे घबराने की बात नहीं, ठीक है। देखिए, और कोलिन नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, देखिए अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक्स एक्सिस की चर्चा की हमने, और एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ किया। अब देखिए इसमें, देखिए ये आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इस पॉइंट्स में ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिएगा, जब हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है। देखिए यहाँ पे 4 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है उसका 4, सी में भी 4, 4, 4, 4, ठीक है ना। सारे सारे जगह पे क्या है, यहाँ पे उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, सेम है, क्लियर है। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, यहाँ पे 5 है, 2 है, -2 है, 4 है, 0 है, 3 है, ठीक है ना। तो इसको जब आप लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट कीजिएगा ना, देखिए यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश की गई, डी पॉइंट को, सी पॉइंट को, ई पॉइंट को, बी पॉइंट को, एफ एंड ए, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मिला है, वो भी किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसको अलग शब्दों में ये बोला गया है कि यहाँ पे जो एक्स एक्स एक्सिस का जो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, वो कितना दूरी डिस्टेंस पे है, 4 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्चुअली में इस केस में डिस्टेंस दिखा रहा है, समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक, बताइए क्लियर है। ओके, उसी तरह जैसे अभी हम लोग ने एनालिसिस किया लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसी तरह हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखिए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सब सेम रहेगा, ठीक है ना। उस एक्सिस पे जितने भी, जो मान लीजिए आपने एक वाई वाई एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ किया, किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल जैसे ही लाइन ड्रॉ कीजिएगा, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। लाखों करोड़ों जितने भी पॉइंट आप डालना चाहें, उस कुछ पॉइंट्स में से आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखाया गया है, -4, देखिए -4,3, तो ये क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन जो ड्रॉ किया गया है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। देखिए आपको मान लीजिए, सपोज ये मान लीजिए सबसे पहले ग्राफ पेपर है, ठीक है, मैं आपको ग्राफ पेपर दिखा रहा हूँ। ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है, और ग्राफ पेपर में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ये मान लीजिए ये तो वाई एक्सिस हो गया हमारा, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, और मेरे को बोला गया है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल 5 यूनिट डिस्टेंस पे आपको लाइन ड्रॉ करना है। एक क्वेश्चन समझिएगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको 5 यूनिट यूनिट पर एक लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं, 5 यूनिट क्या मतलब, 5 यूनिट डिस्टेंस इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्लियर है।
मतलब 5 यूनिट डिस्टेंस, मान लीजिए ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस से बोला गया है कि एक्स एक्सिस से आपको 5 यूनिट डिस्टेंस पे एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है, ठीक है, तो खींच देंगे। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव एक्स में जाते हैं, कितना यूनिट पे, 1 यूनिट, 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा लाइन, ये पॉइंट मिल गया, यानी ये वाला लाइन यहाँ से एक ड्रॉ होगा। तो यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। इसी तरह नीचे भी तो होगा, वन, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी ये, ठीक है ना, ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक 5 यूनिट पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ये आपका 5 यूनिट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो आपको अगर ऐसा लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इसकी बात की जा रही है, ठीक है ना, ये कितना है, 5 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है ना, 5 यूनिट का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस की बात की जा रही है। अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कि क्या पॉइंट होगा, इसका क्या पॉइंट होगा, इसका पॉइंट होगा 0, और एक्स का कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, -5, क्योंकि वो निगेटिव एक्स में है ना। और इसको अगर पूछेगा इसका कोऑर्डिनेट बताइए सर क्या होगा, तो इसका होगा 0 और 5, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा ना। हम लोग ये नहीं ना बोलते हैं कि पुणे से मुंबई -200 किलोमीटर है, -300 किलोमीटर है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो डिस्टेंस के केस में हमेशा पॉजिटिव सेंस में बोला जाता है, कि बोला जाएगा कि 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, क्लियर है, बताइए क्लियर है। लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे 0 और 5 होगा, यानी एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है और वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 5 है। उसी तरह निगेटिव में क्या हो जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है और वाई का कोऑर्डिनेट -5। मैं तो आपको क्लियर है, डिविजेस आपको तो क्लियर है। ओके okay, चलिए, तो उसी तरह हमको देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया डिस्कस करने के लिए। कैन वी ड्रॉ ए पैरेलल पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम इट। हाँ, तो ड्रॉ तो कर ही सकते हैं कितना भी यूनिट का बोला जाए तो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं उसको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए देखिए आप लोग ये तो जानते होंगे, लीनियर इक्वेशन जानते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन बोला जाता है कि लीनियर इक्वेशन, देखिए मान लीजिए एक्स इजकल टू, मैंने 5 लिखा, ये मैंने कुछ लिखा, मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्या लिखा मैंने आपको समझ में नहीं आया, अच्छा ये क्या है, ये वेरिएबल है, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू मैं अभी 5 दिया, कभी मैं 10 दे सकता हूँ, मैं कभी 11 दे सकता हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, ये लीनियर है। लीनियर क्यों बोलते हैं, आप लोग ये तो जानते होंगे ना, एक्स स्क्वायर भी होता है, एक्स क्यूब भी होता है, ठीक है ना, एक्स क्यूब भी होता है, और यहाँ पे एक्स के पावर 1 है। सिंपली आपको कोई, मान लीजिए मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा गया है, मैथमेटिकल इक्वेशन आपको सपोज लिखा गया है एक्स इजकल टू, मान लीजिए सपोज 9 है, तो इसका मतलब ये होता है ना, एक्स का पावर 1 है, क्या है, 1 है। तो जिसका, जिस वेरिएबल का पावर 1 होता है, इस केस में देखिए यहाँ पे 1 पावर है ना, अगर ये 2 होता है ना यहाँ पे, तो इसको
क्वाड्रेटिक बोलते, ठीक है ना, ठीक है, और लीनियर बोलते, लीनियर इसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। क्यों लीनियर बोलेंगे, क्योंकि इसका पावर 1 है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको बात समझिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसमें कितना है वेरिएबल, कितना है इस केस में, वेरिएबल आपका 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कभी कभी क्या होता है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे x plus y इजकल टू 5। तो देखिए ये तो लीनियर तो है, मानते हैं ये तो लीनियर है, कैसे आपको लीनियर मालूम चल रहा है, इसका पावर देखिए पावर 1 है, इसका भी क्या है पावर 1 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन की तो बात हो जा रही है, और 2 वेरिएबल भी है, एक एक्स वेरिएबल है और इस केस में वाई वेरिएबल है। समझ पा रहे हैं ना, ये कंसेप्ट समझ में आया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सबको समझ में आया। अच्छा ये आप लोग ऑप्शन ये बताइएगा, तो आप लोग लिख के बताइएगा, ये आप पहले आप बताइएगा ये क्या है। मैंने 2x मैंने एक लिखा हो, मान लीजिए मैंने x plus 3y लिखा बराबर 5, तो ये आप बताइए, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, बताइए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, लिख कर बताइए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आपका इक्वेशन क्या है, x plus 3y इक्वल टू 5, ओके। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर कैसे मालूम चल रहा है, लीनियर मतलब पावर 1 होना चाहिए, पावर 1 है, और वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं, समझ आया। अब देखिए अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में क्या हो सकता है, लीनियर इक्वेशन में हो सकता है आपका वेरिएबल 1 हो और वेरिएबल 2 हो। तो देखिए यहाँ पे x इजक्वल टू 2 क्या है, ये आपका इक्वेशन है, मान लीजिए आपका ये आपका x इजक्वल टू 2, ये आपका है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करना है, इस लाइन को हमको ड्रॉ करना है, ये एक लाइन है, ये सबसे पहले तो ये कर्व डिनोट करेगा, कहने का मतलब है कि x इक्वल टू 2 डिनोट करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, x एक्सिस देखेंगे, किसकी बात की जा रही है, x एक्सिस की बात की जा रही है, मतलब ध्यान से समझिएगा, x इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगा, कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे कैसे होगा अभी समझ आ जाएगा। ये देखिए ये क्या होगा, ऐसे आपका लाइन होगा और ये x इक्वल टू 2 डिस्टेंस पे होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा, 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा लाइन हो जाएगा, ये आपका, ये देखिए ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 2, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये आपका x इक्वल टू 2 हो जाएगा, जैसे कि देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इजकल टू 2। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे। अभी तो बताया कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, और ग्राफ पेपर में हम लोग
जेनरली एक्स और वाई एक्सिस हम लोग क्या करते हैं, मिडिल में ड्रॉ करते हैं जेनरली। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या हो गया रेड कलर का वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई इक्वेशन आपको दिया है एक्स इजकल टू टू आपको ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए एक्स इजकल टू टू, एक्स इजकल टू टू का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स बराबर टू डिस्टेंस पे है, मतलब एक्स बराबर टू पॉइंट पे है, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए एक्स इजकल टू टू, ड्रॉ द लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। सबसे पहले तो एक लाइन होगा, लाइन होगा वो कैसा लाइन होगा, एक्स इजकल टू टू का मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर पॉजिटिव है, टू का मतलब क्या है यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बात की जा रही है, तो एक्स का यहाँ पे पॉजिटिव में ही बात करेंगे क्योंकि एक्स इजकल टू टू है ना, तो एक्स इजकल टू टू कहीं ना कहीं इधर आएगा, ठीक है ना, इधर नहीं आएगा इधर आएगा, ठीक है ना, इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा हमारा एक्स इजकल टू पॉजिटिव इधर आएगा इसको। और किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, एक्स टू यूनिट डिस्टेंस पे, यानी किससे टू यूनिट का डिस्टेंस लेना है, एक वाई एक्सिस से टू यूनिट का डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे देख रहा होगा आपको, यहाँ से वाई एक्सिस जो हमारा है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस में, इस वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा गया है, किस कितने डिस्टेंस पे, टू यूनिट के डिस्टेंस पे, समझ आया बताइए, ये समझ आया, समझ आया बताइए। उसी तरह क्या करेंगे, वाई इजकल टू माइनस थ्री, वाई इजकल टू माइनस थ्री का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी किस साइड में, निगेटिव साइड में, इधर कहीं ना कहीं हमारा लाइन होगा, इधर ये पैरेलल हमारा लाइन इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है ना, इस तरह से ड्रॉ होगा, लेकिन कितने यूनिट डिस्टेंस पे होगा हमारा, माइनस थ्री पे, समझ पा रहे हैं ना, माइनस थ्री पे वो हमारा होगा, समझ पा रहे हैं ना। आप देखिए अब ऐसा करने से आपको दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पी मिला, पी मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिला, इसको हमने क्या किया, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, टू है, देखिए यहाँ पे एक्स क्या है, टू है, और वाई कितना है, माइनस थ्री है, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पे हमने क्या किया, टू और माइनस थ्री हमको पॉइंट मिल गया, यहाँ तक क्लियर है बताइए, यहाँ तक क्लियर है, अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो पूछिए, बताइए किसी तरह का दिक्कत है, क्लियर है सबको, जय ऋषि। क्लियर है, ओके चलिए। अब देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको इस तरह का लाइन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरह का लाइन ड्रॉ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। प्रॉब्लम आपको आएगी कि टू वेरिएबल को ड्रॉ कैसे करें, ठीक है ना, टू वेरिएबल को कैसे ड्रॉ करें, जैसे टू वेरिएबल वाले में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, देखिए ये तो आप तो ड्रॉ कर ही सकते हैं कि कोई पॉइंट दिया रहेगा, जैसे देखिए मैंने बताया हूँ, तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है कॉमा, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए एक्स वन है, एक्स वन वाई वन, एक्स टू यहाँ पे वाई टू, ठीक है, यहाँ पे एक्स थ्री, यहाँ पे वाई थ्री, ठीक है ना, तो इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखकर आप लोग तो ग्राफ पेपर पे तो प्लॉट कर ही लीजिएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मतलब जो हमारा है, जो हमको ड्रॉ करना है उसमें एक इक्वेशन दिया रहेगा,
लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग रेक्टेंगल पर हैं, सर्किल पर हैं, बहुत सारे कर्व्स पर हैं। कर्व्स का मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये आपका एक फिगर है, ठीक है ना, इस फिगर को जानते हैं हम लोग, ग्राफ पर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बोले ग्राफ पेपर पे इसका पॉइंट दिया रहेगा, इसका पॉइंट दिया रहेगा, मतलब आपको इसका पॉइंट दे दिया जाएगा, इसका पॉइंट दे दिया जाएगा, इसको पॉइंट दे दिया जाएगा और इसको पॉइंट दे दिया जाएगा, तो आप लोग ऑब्वियस है कि ऐसा फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा फिगर बना लीजिएगा। लेकिन क्या होता है ना कि फिगर को जनरलाइज करने के लिए, कहने का मतलब है कि जनरलाइज करने के लिए, कहने जैसे कि वेरिएबल्स के टर्म में, वेरिएबल्स के टर्म में उसको जनरलाइज करने के लिए और मैथमेटिक्स को एक सुचारू रूप में पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वेरिएबल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कहने का मतलब है एक्स इजकल टू 5 लिख दिया, ठीक है ना, एक्स इजकल टू 6 लिख दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू वेरी कर रहा है और जिसको मेरे को जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग लेकर अपना काम चला सकते हैं। उसी तरह क्या होता है, जब जनरल इक्वेशन की बात की जाती है, कहने का मतलब ये है कि जैसे इस इक्वेशन को देखिए, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये जनरलाइज है, इसको आप लोग ड्रॉ करना सीख जाइएगा तो सारी चीजें आप लोग सीख जाइएगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, जैसे इस इक्वेशन, इसको मैं बता रहा हूँ, इस लाइन, ये क्या है, हमारा एक लाइन को डिनोट कर रहा है, ये इक्वेशन क्या है, एक लाइन को डिनोट कर रहा है। अब वो कैसे लाइन को डिनोट करेगा अभी आप लोग समझिएगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए क्या है, लाइन है, लाइन को ये डिनोट कर रहा है। आप लोग की समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, बताइए आप क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है। वॉइस इज क्लियर, बताइए। ओके ओके ओके, आप रीज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए डिविजियस को रुकिए, ज्वाइन हो जाने दीजिए। देखिए एक देखिए ये सबसे पहले है हमारा 2x - y + 1 = 0, ये हमारा क्या है, एक लाइन को डिनोट करता है। उस लाइन कैसे डिनोट करता है उसको अभी हम लोग समझेंगे। इसको देखिए 2x - y + 1, ये सब तरीका है बनाने का, मे भी आप लोग पहली टाइम सीख रहे हो तो घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल को, दोनों वेरिएबल अलग अलग टाइप के हैं तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। इधर वाई को हमने क्या किया, इस वाई को देखिए 2x - y = 1, सॉरी
टू है क्यू आर प्लस वन है। प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इधर से वाई को क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट हैंड साइड में भेज दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, और इसको अलग शब्दों में लिख सकते हैं, टू एक्स प्लस वन। वही चीज़ है, मैंने उसी को सजाने की कोशिश की है, ठीक है। y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। अब देखिए, ये तो हमारा एक लाइन डिनोट कर रहा है। अब क्या करेंगे, इस तरह का हम लोग एक चार्ट वैल्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इधर हम लोग एक चार्ट वैल्यू बनाएंगे, इस तरह का आप बॉक्स बनाइए, ठीक है ना। देखिए, कम से कम आपको तीन डब्बे बनाने हैं, कहने का मतलब मैं अभी समझा रहा हूँ। देखिए, देखिए अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स वाई, और इसमें क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू डालना है। अब बोलेंगे सर, एक्स और वाई का वैल्यू कहाँ से लाएं, इसमें एक्स डालिए, एक्स बॉक्स, एक बॉक्स ज़्यादा मैं बना दिया हूँ, उसे घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों को साथ में लिखेंगे। देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में ना एक्स बराबर जीरो पुट कीजिए, अपने मन से पुट कर दीजिए, जो अपना सुटेबल, समझ पा रहे हैं ना, एक्स इजकल टू वन लिख सकते हैं, मतलब ये इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं अपने मन से। देखिए, एक्स का वैल्यू फाइव डालेंगे तो वाई का वैल्यू इलेवन आ जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर थ्री डालेंगे तो थ्री थ्री टू जा सिक्स प्लस वन, वाई का वैल्यू मेरा प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, आप मेरे प्रेजेंटेशन पे जाकर पिन कीजिएगा तो दिखेगा। मैंने तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें आपका इक्वेशन है, ओके ओके, रिज्वाइन कीजिए आप। देखिए, अब दिख रहा है आपको, जय आपको अभी स्क्रीन विजुअल है, ओके। तो मैं क्या बोल रहा था कि हम, मेरे पास एक इक्वेशन दिया गया, इस इक्वेशन को हमने क्या किया, सजा दिया। किस फॉर्म में सजा दिया, वाई बराबर टू एक्स प्लस वन लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिए, एक्स का वैल्यू अपने मन से कुछ भी डालिए, ऐसा डालिए कि जो आपका कैलकुलेशन में आपको सहायक हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या डाल सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जीरो डालेंगे ना, देखिए इसको आप लोग जवाब दीजिएगा, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे जीरो डालेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, इस इक्वेशन से बताइए। तो एक्स का वैल्यू अगर जीरो डालेंगे तो वाई का वैल्यू वन आएगा, वेरी गुड। और इसको हमने क्या किया, सजा कर लिख दिया यहाँ पे, जीरो और वन, यहाँ पे इसको सजा कर हमने लिख दिया, और कुछ नहीं करना है। उसी तरह एक्स का वैल्यू वन रखिए, ठीक है, एक्स का वैल्यू वन रखिए तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, वाई का वैल्यू कितना आएगा बताइए, वाई का वैल्यू कितना, थ्री आएगा। एक्स का वैल्यू टू रखिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हाँ, वैसा रखिए कि जो आपका कन्वीनियंस, अगर मैं एक्स का वैल्यू माइनस वन रख देता हूँ, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू माइनस वन रखता हूँ, तो आप वाई का वैल्यू बताइए, तो मैं आप बताइए तो वाई का वैल्यू कितना होगा।
अगर एक्स का वैल्यू में -1 हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखिए, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने सिखाया है कि अगर हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया रहे तो उससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 2 और 5 है, और यहाँ पे क्या है, -1 और -1, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये 1/2 लिया है, -2 लिया है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ये जितने भी पॉइंट्स मिले हैं आपको, कौन से पॉइंट मिले, 0 1 मिले, 1 3 मिले, 2 5 मिले, इसको सिस्टमेटिक वे से ग्राफ पेपर पे आप लोग प्लॉट कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका ये ग्राफ पेपर है, और ग्राफ पेपर में आपको क्या होगा, ग्राफ पेपर में आपका मान लीजिए 0 और 1, 0 और 1, मैं अप्रोक्स मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 और 1 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, 0 और 1 यहाँ पे होगा, और उसके बाद जीरो और वन यहाँ पे होगा। इसको सब कुछ हमने क्या किया, इसको 0 और 1 लिख दिया, ठीक है, 0 और 1 लिख दिया। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, 1 और 3 है। देखिए 1 और 3 यानी x 1 है और y, तो या x यहाँ पे कुछ 1 होगा और 3 यहाँ पे होगा। इसको हमने क्या किया, ये मैं रफ फिगर कर रहा हूँ, अप्रोक्स नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से एक आपको लाइन गुजरता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, यहाँ से एक लाइन पास होते हुए दिखेगा, ठीक है ना। आप लोग ड्रॉ कीजिएगा सही वे में, तो आपको सही में एक लाइन पास होते हुए दिखेगा, ठीक है ना। और ये जितने भी पॉइंट्स हमको मिले, ये जितने भी पॉइंट्स मिले, ये वाला पॉइंट, ये वाला जितने भी मिले मेरे को पॉइंट, ये पॉइंट ना उसी पे लाई करेगा। आप लोग ये करके देखिएगा, ठीक है ना। आप लोग कितना भी मतलब यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, -2 लीजिए, -3 लीजिए, जितना आपको बॉक्सेस बनाकर प्रोसीड करना है तो आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, बताइए क्लियर है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो बताइए। देखिए इसको क्या करना है, पहले इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिख देना है, ठीक है ना, ताकि हमको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। और एक्स का वैल्यू अपने मन से लिखिए, -1 -2 0। हाँ, इसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जितना सिंपल से सिंपल हमारा ये देखिए आए। अब मान लीजिए आपका पॉइंट, अगर मान लीजिए आपका पॉइंट 1/3 आएगा, ठीक है ना, मान लीजिए आपका पॉइंट 1/3 होगा, तो इसको आप लोग कैसे डिनोट कीजिएगा ग्राफ पेपर, प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब होता है 0.3333, ठीक है ना। तो एक बॉक्स का तीसरा भाग में आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, ये दिमाग लगाते हैं कि हमारा इंटीजर या सिंपल फ्रैक्शन पार्ट में है, ठीक है ना। ये कोशिश हमारा रहता है, ताकि ग्राफ में हम देखिए यहाँ पे 1/2 ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 1/3 ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, ग्राफ इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.2 बनाना है, और आपको ग्राफ पेपर पे भी बनाना है, ठीक है। आप लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, सर ये तो सिंपल ऐसे बोर्ड पे बना दिए, ऐसे नहीं, आपको ग्राफ पेपर खरीदना है, पेंसिल से बनाना है। देखिए ऐसे मत बना दीजिएगा, ठीक है, ये सब ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, तो आप लोग, आपके लिए ये मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको लोग बनाइएगा। आपको ये सब जो क्वेश्चंस हैं इसको बनाइएगा, ये आपको 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ना, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद आप कोई सा भी तीसरा पॉइंट आप लोग चूज कीजिएगा ना, उसी लाइन पे होगा, ये आपको अमेजिंग दिखेगा, ठीक है ना, लगेगा कि क्या जादू हो रहा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो आप लोग ये बनाइएगा, और आप लोग कोई आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे पास ईमेल है, आप लोग मेरा ईमेल है आप लोगों के पास,
देखिए ये मेरा ईमेल है, अगर जो बच्चे सही ढंग से बनाए होंगे तो कम से कम कोई इस जो 9 और 8 का आप लोग फिगर मेरे को ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मतलब अगर सही से बनाइएगा तो मैं देखूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका कम से कम एक फिगर आप लोग मेरे को ईमेल कर सकते हैं, कोई ऐसा फोर्सफुली नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भेजना है तो भेज सकते हैं, ठीक है। मैं देखूंगा, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और आपको ये आपको बनाना है प्रैक्टिस सेट 7.2, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।